नमस्कार दोस्तों, शुभम किचन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखिए आज हम बनाएंगे प्याज टमाटर और आलू तीनों चीज़ों को मिक्स करके कचौड़ी और आलू टमाटर की सब्जी। और देखिए कचौड़ी बनाने के लिए हमने ये आटा लिया है, 3 कटोरी हमारा आटा है रोटी जिससे हम बनाते हैं। और ये कच्चा आलू है, कद्दूकस कर लिया है। ये हमने बारीक प्याज काट लिया है और ये 2 टमाटर हमने काट लिए हैं और ये हमारे पास 4 हरी मिर्च। इन सारी चीजों को अब हम ग्राइंड कर लेते हैं। देखिए जार में डाल के इन तीनों चीजों को हम 2 बार में ग्राइंड करेंगे क्योंकि एक बार में ये नहीं आएगा, तो हम 2 बार में इसे ग्राइंड कर लेते हैं। देखिए इसमें हमने मिर्ची भी ऐड कर दी है और टमाटर थोड़ा सा ये पीसने के बाद में हम ऐड करेंगे। देखिए थोड़ा सा डाल देते हैं बाकी बाद में। देखिए अब हमने आटा ले लिया, आटा में 1 चम्मच करीब हमने नमक डाल दिया। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। और ये देखिए 1 बड़ा चम्मच हमने इसमें ऑयल डाल दिया है, रिफाइंड ऑयल। और ये देखिए थोड़ी सी इसमें हम अजवाइन डाल देते हैं क्रश करके। और ये कचौड़ी बहुत खस्ता बनती है और बड़ी आसानी से बन जाएंगी। ये देखिए हमने सारी चीज़ें ग्राइंड कर ली है और अब हम यही बैटर डाल के इसको मिक्स करेंगे आटे को। ये जरूरत पड़े तो पानी हम अलग से डालेंगे और एक सॉफ्ट सा डो लगाना है हमें कचौड़ी के लिए। दोस्तों बहुत बढ़िया एक प्याज टमाटर और आलू कचौड़ियाँ बन के रेडी होती है। ये देखिए थोड़ा सा हमने इसमें हल्दी पाउडर भी डाल दिया है, आप चाहें तो डालें, नहीं कोई हल्दी जरूरी नहीं है, कलर के लिए हमने थोड़ा सा ऐड किया है। और ये देखिए एक सॉफ्ट सा डो लगा दिया है। अब इसे हम 10 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं। तब तक आइए हम आलू और टमाटर की सब्जी बनाते हैं। और बहुत सिंपल सब्जी और बहुत टेस्टी सब्जी बनती है। हमने तेज पत्ता डाल दिया है, थोड़ी सी काली मिर्च और 3-4 लौंग डाल दी। तो पकने के बाद मैंने देखिए थोड़ा सा जीरा डाला है। इसमें ज़्यादा मसाला हमें कुछ नहीं डालना है, प्याज लहसुन वगैरह कुछ नहीं डालेंगे। और ये देखिए थोड़ी सी हमने हल्दी डाल दी 1/2 चम्मच के करीब और इसे अच्छी तरह से पका दो। और ये जो हमने टमाटर और मिर्ची की प्यूरी बनाई है इसे हम इसमें ऐड कर देते हैं और इसे अच्छी तरह से पका लेंगे। टमाटर का कच्चापन दूर हो जाना चाहिए। थोड़ा सा हमने इसमें ये नींबू डाल दिया है और इसे हम अच्छी तरह से पकाने के बाद में इसमें अब हम आलू हाथ से ही क्रश करके डाल देंगे। आलू में काट के नहीं डालना है। मसाला हमारा पक चुका है और अब इसमें हम आलू ऐड कर देते हैं। ये देखिए आलू ही हाथ से क्रश करके डाल रहे हैं, काट के हमें नहीं डालना है। अच्छी तरह से हम सारी आलू इसी तरह से मैश कर लेते हैं और मैश करके सारी आलू एक साथ में इकट्ठा ऐड कर देते हैं। ये देखिए और ये सब्जी दोस्तों बहुत बढ़िया बनके तैयार होती है। सिंपल सी सब्जी है, कोई ज़्यादा इसमें इंग्रेडिएंट्स नहीं लगे हैं, लेकिन कचौड़ी के साथ में दोस्तों यही सब्जी अच्छी लगती है। ये देखिए चुटकी भर हमने हींग डाली है इसमें। इसके बाद में इसमें थोड़ा सा ही गरम मसाला डालेंगे। पानी आप अपने हिसाब से डालें,
आप कितनी पतली या कितनी गाढ़ी प्यूरी रखना चाहते हैं उस हिसाब से डालिए। और ये देखिए आधा चम्मच मैंने गरम मसाला डाल दिया है इसमें, मिक्स कर लिया। और थोड़ी सी हम इसमें कसूरी मेथी डालेंगे, यदि आपके पास में है तो डालें, नहीं है तो फिर आप धनिया से ही काम चलाएं। ये देखिए कसूरी मेथी का फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है दोस्तों, यदि है तो आप जरूर डालें। और ये देखिए एक चम्मच के थोड़ा सा कम हमने नमक डाल दिया है, नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। ये देखिए हम अब ढक देते हैं और एक तरफ हमारी सब्जी पक रही है तो दूसरी तरफ हम कचौड़ी के लिए देखिए कढ़ाई चढ़ा दिए और इधर हम कचौड़ी तैयार कर लेते हैं। जब तक हमारी सब्जी पकेगी तब तक हमारी कचौड़ियाँ भी बनके रेडी हो जाएंगी। ये देखिए इस तरह से हम छोटी छोटी कचौड़ी किलोई छोटी छोटी ही होती हैं, उसी हिसाब से हम सारी लोई काट लेते हैं। ये देखिए आप आकार थोड़ा बड़ा या थोड़ा छोटा कर सकते हैं, बाकी कचौड़ी छोटी ही होती है। ये देखिए आइए अभी हम लोई तैयार करने के बाद में इधर हमारा तेल लगभग गर्म हो चुका है और अब हम बेल लेते हैं। ये देखिए बस हमें दोनों तरफ से एक एक बार बेलन चलाना है हल्के, हमें ज्यादा बड़ी नहीं करना है, ये थोड़ा सा मोटी होती है पूरी से। इसी तरह से आप सारी कचौड़ियाँ बेल सकते हैं, इसमें कोई भरने का झंझट नहीं है और बड़ी आसानी से। ये देखिए तेल गर्म हो चुका है, अब इसमें हम एक एक करके कचौड़ियाँ डालेंगे, जितनी कचौड़ी आपकी एक साथ में पड़े उतनी ही डालें जिससे वो आसानी से पक सके, उलटने में दिक्कत ना हो। ये देखिए बढ़िया बिल्कुल खस्ता कचौड़ी बनेगी। और ये खस्ता कचौड़ी आलू और टमाटर की सब्जी के साथ बहुत अच्छी लगती है दोस्तों, सभी को पसंद आने वाली रेसिपी है ये। देखिए कितने अच्छे से हमारी कचौड़ियाँ फूल चुकी हैं, आइए अब हम इन्हें निकाल लेते हैं, इसमें और हम ऐड कर देते हैं। इसी तरह से हम सारी कचौड़ियाँ डाल डाल के पका लेंगे, कढ़ाई में उतनी ही डालें जितनी आसानी से। उल्टी जा सके ये देखिए, जब भी ज़्यादा कचौड़ी डाल लेंगे तो उलटने में थोड़ी सी दिक्कत होगी और कचौड़ी अच्छी तरह से फूलेगी नहीं, इसलिए आसानी से जितनी डल सके उतनी डालें। दूसरी तरफ हमारी सब्जी लगभग पकने को हो चुकी है, आज हम कुछ जल्दी में रेसिपी तैयार कर रहे हैं, इसलिए एक तरफ सब्जी बन गई एक तरफ कचौड़ियाँ। अरे देखिए कितनी बढ़िया हमारी खस्ता कचौड़ी बनके तैयार हो रही है। दोस्तों आप कई बार जाते हैं स्ट्रीट फूड में कचौड़ी और सब्जी पसंद करते हैं, दोस्तों एक बार इन कचौड़ियों को आप अपने घर पे बनाएंगे तो आप स्ट्रीट का फूड आप भूल ही जाएंगे, इतनी स्वादिष्ट कचौड़ी ये घर पे तैयार होंगे। ये देखिए
यदि आप कचौड़ी के शौकीन हैं तो जरूर घर पर ट्राई करें। और ये हमारी प्याज टमाटर और आलू की कचौड़ी, ये देखिए हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। सब्जी भी हमारी तैयार है आलू और टमाटर की, और एक तरफ हमारी कचौड़ियाँ तैयार हो चुकी हैं। अब सर्व करने के लिए देखिए हमने प्लेट भी लगा ली है। आइए देखते हैं, हमें उम्मीद है कि आप सभी को ये पसंद आने वाली है। दोस्तों